नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 66 रनों से हरा दिया है। भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया टीम के जीत के हीरो आरोन फिंच, स्टीवन स्मिथ, जोश हेजलवुड और एडम जंपा रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। आरोन फिंच और स्टीवन स्मिथ ने जहां शतक लगाया, वहीं एडम जंपा ने 4 विकेट झटके और जोश हेजलवुड ने 3 विकेट अपने नाम किए। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अगला मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही खेला जाएगा। 66 गेंद पर 105 रनों की तेज पारी खेलने वाले स्टीवन स्मिथ को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान आरोन फिंच और डेविड वार्नर ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 ओवर के पावर प्ले में बिना विकेट गवाए 51 रन जोड़े। आरोन फिंच ने 69 गेंदों का सामना करते हुए पहले अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद टीम के 100 रन पूरे हुए और फिर डेविड वार्नर ने अपने करियर की 22वीं 50 पूरी की। 4 चौकों की मदद से उन्होंने 54 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। टीम के कप्तान आरोन फिंच ने इसके बाद स्मिथ के साथ मोर्चा संभालते हुए अपने करियर का 17वां शतक लगाया और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उन्होंने महज 62 गेंदों का सामना करते हुए भारत के खिलाफ 100 रन बना दिए और इसके बाद जो बची हुई कसर थी वो ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी कर दी। दरअसल ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 45 रनों की पूरी पारी खेली और इस दौरान मैक्सवेल ने 5 चौके और 3 छक्के भी लगाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले विकेट के लिए शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ने 53 रन जोड़ दिए। मयंक अग्रवाल जॉश हेजलवुड की गेंद पर कैच आउट हुए और इसके बाद जॉश हेजलवुड ने कप्तान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को जल्दी आउट कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। बाद में हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने किसी तरह पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। हार्दिक पांड्या ने 90 रनों की शानदार पारी खेली और आउट हो गए। शिखर धवन ने हार्दिक के साथ अच्छी साझेदारी करते हुए 74 रनों की पारी खेली और एडम जंपा ने शिखर धवन का विकेट अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया दिए गए लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रही और निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 308 रन ही बना सकी। लिहाजा 66 रनों से टीम इंडिया को पहले वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैच में एडम जंपा ने 10 ओवर के कोटे में 54 रन खर्च किए और 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने 55 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। स्टीवन स्मिथ को उसके शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।